गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको बोलो साइंस में चैप्टर 4 पढ़ाएंगे जो कि आपका क्या है, कंपनी डज मैटर। ठीक है, तो देखिए कह रहे कंपनी डज मैटर मतलब साथ कैसा होना चाहिए हमारा, अच्छा कि खराब। इस चैप्टर में आपको ये चीज बताया गया है। तो देखिए इसी से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी बहुत ही इंटरेस्टेड ये स्टोरी है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो देखिए, रामू वॉज ए पैरट कैसर एंड ही लिव इन द किंगडम ऑफ वाराणसी। रामू एक तोता पकड़ने वाला था और वह वाराणसी राज्य में रहता था। ही शोर डिफरेंट काइंड ऑफ पैरट्स एंड ही वॉज वेरी वेल नोन एमंग द पीपल ऑफ वाराणसी एंड नियर बाय विलेज। उसने विभिन्न प्रकार के तोते बेचे और वह वाराणसी और आसपास के गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध था। ठीक है, मतलब तोते बेचने लगा तो अपने आप फेमस हो गया। आगे देखिए, कह रहे पीपल यूज टू कम फ्रॉम नियर बाई विलेजेस टू परचेज द पैरट्स फ्रॉम हिम। आसपास के गांव के लोग उसके पास तोते खरीदने आते थे। वन डे एक दिन ही वॉज सिटिंग ऑन द फुटपाथ ऑफ ए स्मॉल विलेज विद ए पेयर ऑफ सिंपल लुकिंग वंडरफुल पैरट्स। वह छोटे से गांव के फुटपाथ पर बैठा था जिसमें एक असाधारण सब दिखने वाला अद्भुत तोता था। ऑल द पैसरबाय वंडर्ड व्हाई ही वाज सेलिंग ओनली टू पैरट्स देन। सभी राहगीरों को आश्चर्य हुआ कि वह उस दिन केवल दो तोते को ही बेच रहा था। इन द मेन टाइम इसी बीच में ए मर्चेंट ऑफ दैट विलेज पास दैट वे। उस गांव का एक व्यापारी उस रास्ते से गुजरा। He asked Ramu to sell him one of the two simple but wonderful parrots. उसने Ramu से मतलब कहा, Ramu to sell him his one, मतलब कि उसे दो साधारण लेकिन अद्भुत तोतों में से एक को बेचने के लिए कहा। मतलब उसे ये कहता है कि जो दो तोते लेके बैठे हो उसमें से एक तोता बेचने के लिए बोलता है। तो देखिए आगे Ramu से क्या कहता है। रामू बोला, आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे माफ करिएगा श्रीमान, बट आई एम डिसाइडेड टू सेल बोथ द पैरट्स टुगेदर टू वन पर्सन ओनली। मैंने निश्चित किया है कि मैं इन दोनों को एक साथ एक ही लोगों को बेचूंगा। दीज पैरट्स आर ट्विंस, ये दोनों क्या है, जुड़वे हैं। दे हैव गॉट वेरी स्पेशल पावर टू स्पीक फ्रिक्वेंटली। उन्होंने अक्सर बोलने की बहुत विशेष शक्ति मिली। मतलब कि अगर वो ये समझाना चाहता है कि इसको बोलने की क्या है, मतलब इन दोनों को तोतों की बोलने की एक अद्भुत शक्ति उन लोगों के पास है। तो देखिए आगे, देयरफोर आई वांट टू सी बोथ ऑफ देम स्पीकिंग द सेम गुड लैंग्वेज। इसीलिए मैं दोनों को एक ही अच्छी भाषा बोलते हुए देखना चाहता हूँ। द मर्चेंट हैड नॉट डिसाइडेड टू बाय बोथ द पैरट्स। व्यापारी ने दोनों तोते खरीदने का फैसला नहीं किया था। सो ही वेंट अवे, तो वह चला गया। बट ए थीफ वॉज लिसनिंग टू देयर सेल परचेज कन्वर्सेशन, लेकिन एक चोर उनकी बिक्री खरीद की बातों को सुन रहा था। ही मेड ए प्लान टू स्टील द पैरट्स। उसने एक प्लान बनाया कि मैं इन दोनों को तो क्या करूँगा, चुरा लूँगा। ठीक है, एंड सेल देम टू अर्न गुड प्रॉफिट, और इसको बेच के क्या करूँगा, अच्छा फायदा लूँगा। इन द आफ्टरनून दोपहर समय में, व्हेन रामू वॉज स्लीपिंग, जब रामू सो गया, ही लिसनिंग स्टोल बोथ द वंडरफुल पैरट्स एंड फ्लिप फ्रॉम देयर। उसने चुपचाप दोनों अद्भुत तोते चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। On the way to his house, he stumbled down badly upon a huge stone which made the cages fall down. अपने घर के रास्ते में वह एक विशाल पत्थर पर बुरी तरह से ठोकर खाकर गिर गया, जिससे पिंजरे नीचे गिर गए। One of the two cages got opened and one of the two parrots flew away. दो में से एक पिंजरा खुल गया और दो में से एक तोता उड़ गया। With numerous arrows, the thief brought the second parrot home. कई गालियों के साथ चोर दूसरे तोते को घर ले आया।
His kids liked it so much that they kept on insisting to keep it at home. मतलब उसके बच्चे, मतलब चोर के बच्चों को यह इतना पसंद आया कि वे इसे घर पर रखने की जिद करने लगे. Very soon, बहुत जल्द, the parrot began to learn their language. तोता उनकी भाषा सीखने लगा. The second parrot flew to a small distance and reached. दूसरा तोता कुछ ही दूरी पर उड़कर मतलब ये उड़ गया, कुछ ही दूरी पर उड़ गया और संत के पास आश्रम में पहुंच गया. Some holy men were living in the Saint Hermitage. कुछ पवित्र आदमी, मतलब कि अच्छे आदमी, ठीक है, के साथ ये आश्रम में रहने लगा. They did not extended any harm to that young and beautiful parrot. उन्होंने उस युवा और सुंदर तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. That young parrot started living over there. उस युवा तोते ने वहाँ रहना शुरू कर दिया. It kept on listening to their conversation. यह उनकी बातों को सुनता रहता था. It learned some useful and good words. वह कुछ अच्छा उपयोगी शब्दों को याद कर लिया था. One day, एक दिन, when the thief came to his home. एक दिन जब चोर अपने घर घर आता है and greeted his dear parrot. अपने प्रिय तोते को बधाई दी. It instantly spoke. वह तुरंत बोला, Duffer, why have you come at this place? Duffer, आप इस जगह पर क्यों आए हैं? मतलब तोता उसको चोर को बोलता है, ठीक है. आगे देखिए, आई विल स्पेट यू अपार्ट. मैं तुम्हें अलग कर दूंगा. द थिप वॉज बैडली शॉक. चोर बुरी तरह से चौंक गया. बाई दिस टाइम, इस समय तक द पैरॉट हैड बिगेन टू अब्यूज एवरीवन. तोते ने सभी को गाली देना शुरू कर दिया था. आगे देखिए, आफ्टर सम डेज द थिप वॉज गोइंग थ्रू द सन हैबिटेज वेयर द सेकेंड पैरॉट वॉज लिविंग. कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद चोर संत के आश्रम में जा रहा था जहाँ दूसरा तोता रह रहा था. By seeing the thief, it instantly identified a variety of identified him. देखिए, चोर को देखकर वह मतलब किसके लिए कहा जा रहा है, तोता उसको तुरंत पहचान जाता है, ठीक है. और it greeted him. इसने मतलब तोते ने क्या किया, उसका अभिवादन किया. वेलकम टू दिस सेंट हैबिटेज. स्वागत किया ये संतों के आश्रम में. वी हैव ए वेराइटी ऑफ गुड फ्रूट्स इन दिस ब्यूटीफुल फॉरेस्ट. इस जंगल में मतलब विभिन्न प्रकार के अच्छे फल हैं. यू कैन ईट वॉट एवर यू प्रिफेयर. आप जो चाहें खा सकते हैं. दिस होली मैन विल ट्रीट यू वेरी वेल. यहाँ के जो संत लोग थे उसको बहुत ही अच्छा मतलब व्यवहार करने की बहुत अच्छा चीज़ उसको सिखाई थी. आगे देखिए, द थीप आल्सो इंस्टेंटली आइडेंटिफाइड दैट इट वॉज वन ऑफ हिज आउट पेरेंट्स. उन्हें अपने तरीके पर बहुत शर्म आई कि उन्होंने अपने तोते को कैसे पढ़ाया, मतलब चोर को अपने पर बड़ा शर्म आया कि उसने अपने तोते को क्या पढ़ाया. ही फेल्ट वेरी अशेम्ड एट हिज मेथड दैट ही हैड टॉक्ड हिज पेरेंट. उन्हें अपने तरीके पर बहुत शर्म आई कि उन्हें अपने तोते को क्या पढ़ाया था. ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज होम. वह तुरंत अपने घर चला गया एंड ब्रॉट बैक द सेकेंड पैरॉट. और दूसरा तोता वापस लाया. ही हैंडेड इट ओवर टू द होली सेंट एंड सेड. उन्होंने इसे पवित्र संतों को सौंप दिया और कहा, आई हैव फेल्ट व्हाट रॉन्ग आई हैव डन नॉट द सोसाइटी बट आल्सो टू दीज पैरॉट्स. मैंने महसूस किया कि मैंने न केवल समाज के लिए बल्कि इस तोते के लिए भी गलत किया है. When my parrot repeated my language, जब मेरे तोते ने मेरी भाषा को दोहराई, I was badly shocked to hurt that. तब मतलब मुझे क्या लगा, मुझे बहुत ही ये सुनकर क्या हुआ, मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉक लगा, झटका लगा. And his twin brother always talks the language of holy son. और उनके जुड़वा भाई, मतलब दोनों तोते क्या थे, जुड़वे थे.
वो ये पवित्र संतों की भाषा बोलते, मतलब वो चाहता था कि उसका भी तोता वहां पे रहे, और जैसे वो तोता बोलता था पवित्र संतों के बीच में वैसे वो भी बोले। आगे देखिए, द सेंट वेयर वेरी प्लेज एंड स्माइल एंड सेड, जो संत थे बहुत प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और कहा, इट इज द पर्टिकुलर कंपनी दैट मेक्स योर डिडीज, यह एक विशेष साथ है जो आपका कर्म करती, मतलब कि आप जैसे, मतलब आपका जैसे कर्म रहेगा, आपका जैसा उसके साथ साथ रहेगा वैसे ही होगा। तो आगे देखिए, कह रहे, गुड कंपनी ऑलवेज हेल्प वन टू लर्न गुड थिंग्स, अच्छा साथ सदैव अच्छी चीज सीखने में मदद करती है, बैड कंपनी सेव्स यू टू लर्न बैड थिंग, और बुरा साथ आपको बुरा बनाती है, मतलब बुरा चीज सीखने के लिए बना देती है। इफ यू डू नॉट डेयर टू चेंज टूडे, यदि आप आज बदलने की हिम्मत नहीं करते हैं, टुमारो योर कैट्स वुड डिफरेंटली स्पीक लाइक दिस, नहीं करते हैं तो कल आपके बच्चे निश्चित रूप से इसी तरह से बोलेंगे। द थीफ फेल्ट गिल्टी एंड टुक एन ऑथ टू चेंज हिज नेचर एंड हिमसेल्फ, चोर को मतलब बहुत गिल्टी गिल्टी महसूस की और उसने अपने स्वभाव और खुद को बदलने की शपथ ली। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।